Hello everyone and welcome to my channel. Guys, आज मैं go into your heart की episode number 13 की story explain करने लगी हूँ. Guys, अगर आप लोगों ने अभी तक इस drama की पिछली episodes नहीं देखी हैं, तो I suggest कि आप जाके वो episodes देखें. और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe my channel. Thank you. एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि चैंग व्याओ भाग कर जिंगजू के पास आती है और उसे बताती है कि वो तो तब बहुत घबरा गई थी जब कमेंटेटर ने कहा था कि वो डेंजर में है, और उसे कहती है कि तब तो मैंने उस कमेंट्री करने वाले का माइक ही ऑफ कर दिया था. जिंगजू उसे बताता है कि वो ये गेम इसलिए जीत पाया क्योंकि काटो ने इस गेम में गलती कर दी थी. लेकिन चैंग व्याओ तो खुश थी कि चाहे जो भी है वो आखिर ये गेम जीता तो सही, लेकिन साथ में उसकी बुक गुम होने की वजह से परेशान भी होती है. आखिर वो बुक उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी. फिर जिंगजू उसे रात को अपने साथ केक खाने की ऑफर करते हैं, तो चैंग व्याओ उसे आज के दिन के लिए रेस्ट करने को कह देती है और कहती है कि वो केक उसके जीतने के बाद खा लेंगे. और फिर तभी श्याओ उसे बताती है कि मिस लियू तुमसे बात करना चाहती हैं, तो वो फिर जल्दी से वहां से चली जाती है. दूसरी तरफ योन हून और शाही की गेम अभी तक चल रही होती है, और फिर इन दी एंड योन हून ये गेम जीत जाता है. और बाद में शाही से पूछते हैं कि वो सारी गेम में उसे घूर घूर के क्यों देखता रहा था, तो शाही भी जाने से पहले उसे ये वजह बताता है कि वो उसके साथ अनहैप्पी फील कर रहा था इसलिए, और उसे चिढ़ा कर वहाँ से चला जाता है. योन हूँ उसके पीछे से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलने में अनहैप्पी फील कर रहे थे, और उस वक्त योन हून की शक्ल देखने वाली होती है. फिर रात को पू को व्याओ की से डांट पड़ रही होती है कि उसने जिंगजू की बुक क्यों चुराई थी, तो पू उसे कहते हैं कि उसने ये बुक इसलिए चुराई ताकि वो कोई भी गेम जीत ना पाए, और आगे से और भी बहुत से एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं. तो याओ की उसे इस बात पे गुस्सा करते हैं कि अगर लाइफ में मैं उसे कभी हराऊंगा तो सिर्फ अपनी स्किल्स की वजह से हराऊंगा, और तुम्हें यूं जिंगजू की बुक चोरी करने की जरूरत नहीं थी. और फिर उसे घर वापस जाने की बात करते हैं, तो पू फिर याओ की से सॉरी बोलता है और इमोशनल होकर कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा, तो फिर याओ की उसे माफ कर ही देता है. दूसरी तरफ जिंगजू अपने बचपन का सीन याद कर रहा होता है. फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब मास्टर शाही ने जिंगजू को वो बुक दी थी और वो उस बुक को समझ नहीं पा रहा था, तो इस बुक के ऑथर की फिर मास्टर शाही ने उसे स्टोरी सुनाई थी और साथ में उसे बताया था कि अगर वो इस बुक में मौजूद क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड कर लेगा तो फिर तो वो अपने मास्टर से भी आगे बढ़ जाएगा. तो जिंगजू ने मास्टर शाही से पूछा था क्या वो भी उनसे आगे निकल सकता है, तो मास्टर शाही ने कहा था श्योर. तो जिंगजू ने कहा था कि फिर तो वो जरूर उनसे आगे बढ़कर दिखाएगा. तो मास्टर शाही उसकी ये बात सुनकर खुश हो गए थे और उन्होंने उसे अप्रिशिएट भी किया था. फिर प्रेजेंट में जिंगजू इन बातों को याद करके अपसेट बैठा होता है. फिर नेक्स्ट डे जिंगजू का कंपटीशन जियोन हून के साथ होने वाला था. इधर ही चैंग लियाओ और चैंग आन इसी बात से कंफ्यूज होते हैं कि क्या जिंगजू आज वाली गेम जीत पाएगा या नहीं, और शाही और याओ की आज कमेंट्री कर रहे होते हैं. और फिर इन दी एंड जिंगजू ये गेम हार जाता है और जियोन हून तो अपने जीतने पर बहुत ज़्यादा खुश होता है. चैंग लियाओ तो उसके हारने से बहुत अपसेट होती है और उसके पास जाने लगती है, और फिर जब वो उसे सी साइड पे देखती है तो वो उसके पास जाती है और उसे देखकर खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और इमोशनल हो जाती है. लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल पाकर उसे अपने साथ खाना खाने की ऑफर करती है, तो जिंगजू उसके साथ खाना खाने के लिए मान जाता है. फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट आए बैठे होते हैं, और फिर यहाँ पर जिंगजू चैंग लियाओ से रोने का रीजन पूछते हैं, तो फिर चैंग लियाओ उसे बताती है कि वो ये फील कर रही है कि जिंगजू उसकी वजह से ये गेम हारा है, और मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है कि कल अगर मैंने तुम्हारे साथ खाना खा लेती तो फिर तुम रिलैक्स फील करते और आज वाली गेम जीत जाते. और वो फिर अपनी सेल्फ को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर
देती है तो जिंगचू उसे तसल्ली देता है और साथ में कहता है कि यूं अपने सेल्फ को ब्लेम ना करो, वो ये गेम उसकी वजह से नहीं बल्कि अपनी गलती की वजह से हारा है और कहता है कि वो बुक वाकई में उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। फिर नेक्स्ट डे चेंग लियाओ मास्टर शाई के पास आती है और उन्हें एक बुक देती है और वो ये बुक उन्हें जिंगचू को देने का कहती है तो मास्टर शाई उसकी बात समझ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर शाई जिंगचू के पास पहुंचे होते हैं और फिर जिंगचू को मास्टर शाई से अच्छी खासी डांट पड़ जाती है कि उसने उस बुक को अपने जहन पे सवार कर लिया है और कहते हैं कि मैंने तुम्हें वो बुक सिर्फ रीडिंग के लिए दी थी, इबादत के लिए नहीं, जो तुमने उसको इतना इम्पोर्टेंट समझ लिया। तो जिंगचू फिर अपनी इस हरकत पर मास्टर शाई से सॉरी बोलता है। फिर मास्टर शाई उसे चेंग लियाओ की बाई की हुई बुक देते हैं और उसे बताते हैं कि ये चेंग लियाओ ने उसके लिए भेजी है और साथ में वो चेंग लियाओ की खूब तारीफ भी करते हैं कि वो बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल लड़की है और साथ में उसे एडवाइस करते हैं कि इतनी अच्छी लड़की को अपने हाथों से जाने ना देना। तो ये सुनकर तो जिंगचू स्माइल करने लगता है और फिर मास्टर शाई और जिंगचू मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और फिर इतनी लेट होने पर तो मास्टर शाई फिर वहाँ से चले जाते हैं और फिर कल होने वाले मैच के लिए उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर जाते हैं। फिर जिंगचू चेंग लियाओ की दी हुई बुक पढ़ने लगता है और अपनी पिक भी बनाकर चेंग लियाओ को सेंड करते हैं, जिसे देखकर चेंग लियाओ खुश हो जाती है कि आखिरकार इसका मूड भी अच्छा हुआ। फिर नेक्स्ट डे सब लोग जिंगचू का वेट कर रहे होते हैं और चेंग लियाओ भी उसी के आने का इंतजार कर रही होती है और फिर जिंगचू वहां पर आ ही जाता है और फिर वो कैमरे में देखकर स्माइल करता है। असल में वो तो चेंग लियाओ की तरफ ही देखकर स्माइल कर रहा था। उस वक्त तो चेंग लियाओ के दिल को भी कुछ कुछ होने लग जाता है और फिर गेम स्टार्ट हो जाती है। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या आज जिंगचू जीत पाएगा या नहीं और शायद ही तो इस गेम को लेकर इतना एक्साइटेड होता है कि चेंग आंग के ऊपर उसकी कॉफी ही गिरा देता है और इधर गेम में यून हून हार हार जाता है और फिर बाद में वो जिंगचू से कहता है कि क्या आज रात वो उसके घर में स्टे कर सकता है और साथ में उसे उसके घर में रहने के लिए उसे एक्सप्लेनेशन भी देने लगता है कि वो अपनी नेक्स्ट गेम के लिए एक काम एनवायरनमेंट में रेस्ट करना चाहता है क्योंकि होटल के एनवायरनमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं था। तो फिर जिंगचू उसे अपने घर में स्टे करने का कह देता है और पीछे से योनहून के सेक्रेटरी भी उसकी मिन्नतें कर रहा होता है, तो इसलिए जिंगचू के पास कोई और च्वाइस नहीं थी। योनहून तो जिंगचू के घर में आकर बहुत खुश होता है और जिंगचू तो उसे सख्ती से अपनी चीजों को छेड़ने से मना कर देता है और जब वो टीवी देखने लगता है तो जिंगचू उसे कहता है कि अब टीवी देखने का टाइम नहीं है और टीवी बंद कर देता है। और जब योनहून खाना खाने किचन में जाता है तो जिंगचू उसे खाना खाने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ खाना है तो बाहर जाकर खा लो। तो योनहू उसे इन सब चीजों के पैसे देने की भी बात करता है लेकिन जिंगचू तो साफ कह देता है कि ये सारी चीजें प्राइसलेस हैं। ये सुनकर तो योनहू की शक्ल देखने वाली होती है और फिर जिंगचू उसे सोफा पर सोने के लिए कह देता है तो योन उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में कोई गेस्ट रूम नहीं है क्या। तो जिंगचू तो मासूम सी शक्ल बनाकर नो कह देता है। फिर योन को मजबूरन सोफा पर सोना ही पड़ता है और जिंगचू फिर अपने रूम में चला जाता है और फिर रात को जिंगचू को जब नींद नहीं आ रही होती तो वो चेंग लियाओ से बात करता है और साथ में उसे ये भी बताता है कि यून उसके घर में स्टे करने आया हुआ है। और फिर जब जिंगचू को नींद नहीं आ रही होती तो चेंग लियाओ उसे बच्चों की तरह एक ट्रिक का यूज करके उसे स्टोरी सुनाती है। तो जिंगचू अपने सपने में चेंग लियाओ को इमेजिन करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे चेंग लियाओ आज होने वाले कंपटीशन को लेकर बहुत घबराई हुई होती है तो शाओ उसे तसल्ली देती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही ये कंपटीशन जीतेगा, टेंशन ना लो। बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर तो चेंग लियाओ बुरा सा मुंह बना लेती है तो शाओ फिर उसे उसके नाम से बुलाती है कि हाँ तुम्हारा जिंगचू। तो चेंग लियाओ उसकी बोलती बंद करवाने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख देती है और फिर खुद को कॉन्फिडेंट दिलाने की कोशिश करती है कि जिंगचू तो लेजेंड है और आज का कंपटीशन भी वो जीतेगा, वो इस बार नहीं हारने वाला। और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 13 खत्म हो जाती है।